हेलो माय बीटीएस आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिनों हमारी बीटीएस आर्मी ने जंगकुक के लिए ट्विटर पर एक हैशटैग निकाला था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि स्पॉटिफाई और लिसा ने हमारे जंगकुक को चीट किया है और उनको धोखे से हरा दिया। तो गाइज, आगे मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या वाकई में लिसा और स्पॉटिफाई ने जंगकुक को चीट किया और उनको धोखे से हरा दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो आर्मी, जैसा कि इन दिनों ट्विटर पर हैशटैग निकाला जा रहा है हम आर्मी के द्वारा कि जंगकुक को लिसा और स्पॉटिफाई ने धोखा दिया और उनको हरा दिया, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी आर्मी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि जंगकुक के सॉन्ग को इस बार स्पॉटिफाई पर बहुत ज़्यादा सुना गया था और स्पॉटिफाई ने खुद ही ये चार्ट जारी किया था कि इस साल सॉन्ग ऑफ द ईयर जो रहा वो जंगकुक का सॉन्ग रहा और जंगकुक के सॉन्ग को इस साल बहुत ज़्यादा सुना गया हर कंट्री में। एंड देन एक दिन के बाद स्पॉटिफाई ने फिर से दोबारा चार्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने ये शो करा दिया कि जंगकुक की जगह लिसा को स्पॉटिफाई पर बहुत ज़्यादा सुना गया और हर कंट्री में लिसा के सॉन्ग सुपर डुपर हिट रहे और लिसा के सॉन्ग को ही सबसे ज़्यादा सुना गया, ना कि जेके के सॉन्ग को। और जब बहुत सारे आदमी ने स्पॉटिफाई का ये रीट्वीट देखा ट्विटर पर कि जंगकुक को हरा दिया लिसा ने, तो इस न्यूज़ को लेकर बहुत सारी आर्मी गुस्सा करने लगी। स्पॉटिफाई एक दिन के अंदर चार्ट को कैसे बदल सकती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आज जंगकुक नंबर वन की पोजीशन पर थे और कल लिसा नंबर वन की पोजीशन पर आ गई। और बस इसी बेस पर बहुत सारे आर्मी ये कहने लगी लिसा और स्पॉटिफाई ने जंगकुक को धोखे से हराया है। और इस चार्ट को लेकर हम सब आर्मी का पैनिक होना बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। हम नहीं चाहते कि पहले हमारे बीटीएस के मेंबर को या जंगकुक को पहले पोजीशन पर रखो, फिर उनकी रेपुटेशन को एकदम डाउन कर दो। एंड आर्मी में आपको एक कॉमन थिंग बताना चाहूँगी कि चाहे लिसा हो या कोई भी अदर सिंगर हो, वो किसी भी चार्ट में नंबर वन की पोजीशन पर आ जाए, बट हमारे बीटीएस हम सब आर्मी के लिए नंबर वन की पोजीशन पर है, थे और हमेशा रहने वाले हैं। तो चलिए आर्मी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि स्पॉटिफाई को लेकर आपका ओपिनियन क्या है, क्या उन्होंने सही किया या गलत किया। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।